इस आदमी ने एक गोली की नोक को घिसकर सीधा कर दिया और बड़ी सावधानी से उस गोली के अंदर एक छोटा सा छेद कर दिया। फिर वो गोली के अंदर जहर की कुछ बूंदे डाल देता है। इन सभी चीजों के बाद एक जानलेवा गोली बन के तैयार हो चुकी थी, जिससे बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। गोली की ताकत को और भी बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति ने बंदूक के बहुत सारे हिस्से इंटरनेट से खरीद लिए। लेकिन जब वो उन्हें आपस में जोड़कर देखता है तो एक बड़ी स्नाइपर राइफल का एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गायब था। अब उसके पास इतना समय नहीं बचा था कि वो उस चीज को दोबारा से खरीद सके, इसलिए उस आदमी ने जानबूझकर अपनी कार के बम्पर को हटा दिया और मरम्मत की दुकान पर चला गया। जब दुकान का मैकेनिक कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था तो वो चुपचाप वहां पर मौजूद अपने काम के चीजों को ढूंढने लगता है। वो एक स्टील का पाइप और कई सारी चीजों को उठाकर अपने साथ ले आता है। अपने घर पर वो गियर के टुकड़ों को अलग कर लेता है और लोहे की प्लेट को उसके ऊपर रखकर जोर से हथौड़े से मारने लगता है, जिससे सारी बियरिंग अलग हो जाती है। अब वो उन सभी को एक लाइन में रखकर एक स्टील के पाइप के अंदर डाल देता है और एक साइलेंसर बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उस राइफल को टेस्ट करने के लिए एक नदी के पास आ जाता है। वो बंदूक एकदम परफेक्ट बनी थी। उसके क्लाइंट को भी वो बंदूक काफी पसंद आती है, लेकिन उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदूक उसी की जान लेने के लिए बनाई गई।